जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 540 पद आपके निकाले गए थे। तो आप सभी को पता है कि 30 और 31 अक्टूबर को आपकी परीक्षा यहां पे समाप्त हो चुकी है और आज यानी कि 31 अक्टूबर को आपकी लास्ट शिफ्ट थी, जो कि पहली शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हो चुका है खत्म। टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। अब यहाँ पे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है, कितनी एक्सपेक्टेड इसकी कट ऑफ जाएगी और कब तक इसकी आंसर की आएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये लगभग क्लियर हो जाए कि आपका नंबर आ भी सकता है या नहीं आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइपिंग की तैयारी में जुट सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग की तैयारी ना करने की वजह से एग्जामिनेशन को तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें डिसक्वालीफाई होना पड़ जाता है क्योंकि वो टाइपिंग की तैयारी नहीं करते। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है, और आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे अभी अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर रहे हैं और इस बार एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए हम एक बुक यहाँ पे गिव अवे करने वाले हैं, यानी कि ये बुक आपको फ्री में मिल सकती है। फ्री में केवल एक स्टूडेंट को ये मिलने वाली है। इसी तरीके से हमारे पास जो भी बुक्स अवेलेबल होंगी वो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ताकि जरूरतमंद किसी बच्चे के काम आ सके। अगर देखो आपके पास पहले से बुक है तो अलग बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के पीवाई क्वेश्चन की ये बुक मिल पाए। ये बुक आती है पूजा पब्लिकेशन की, इसमें 40 पीवाई क्यू आपको दिए गए हैं, यानी 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व दिए गए हैं, जो कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की तैयारी करने के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन दिए गए हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब ये बुक आपको फ्री में कैसे मिल सकती है पूजा पब्लिकेशन की, तो आप सभी को बता दें कि जो बच्चा सबसे ज्यादा कमेंट करेगा वीडियो के सेक्शन में और सबसे ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करेगा, उसी बच्चे को ये बुक मिलने वाली है। तो आप भी लग जाइए और सभी बच्चे कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी बच्चा कमेंट सबसे ज्यादा करेगा और जिसका कमेंट आज से 2 दिन बाद सबसे ऊपर टॉप में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसी बच्चे को ये बुक उसके घर पर भेज दी जाएगी उससे उसका एड्रेस लेके। तो आप इसी तरीके से बुक जीत सकते हैं। हम लगातार आप सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे गिव अवे करते रहेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद रहे। तो आप भी अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भाई भाई बहन वगैरह, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस बुक को ले सकते हैं। मैं आप सभी को बता दें कि अगर आपको और बुक चाहिए या आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्लीट गाइड बुक की बात करें या फिर प्रैक्टिस सेट, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूजा पब्लिकेशन की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ के बारे में, फिर कट ऑफ के बाद मैं आप सभी को लेके चलूंगा आपकी आंसर की के बारे में, और एग्जैक्ट मैं आपको डेट बता दूंगा कि कौन सी डेट को आपकी आंसर की आने वाली है, क्योंकि सारी चीजें ऑफिशियली रहने वाली हैं आपकी आंसर की से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग आप सभी को पता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मैं खाली बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बात करें तो 3,26,000 से अधिक कैंडिडेट ऐसे थे जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए थे, 3,26,000 प्लस। अगर हम इसमें माने तो कम से कम 80 से 85% अटेंडेंस रही है, अगर हम नॉर्मली भी माने तो कम से कम 2,70,000 बच्चों ने इसका एग्जामिनेशन दिया है। बहुत ही कम बच्चे इसमें एबसेंट रहे, जो कि आप सभी को पता है, और कल मैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स पे भी गया था, जहां पे मैंने आपका रिव्यू लिया था, बहुत सारे बच्चे मिले, कुछ बच्चे ऐसे थे जो शर्मा के खड़े रहे लेकिन पास नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे फ्यूचर में कभी मुलाकात हो तो यार आ जाया करो, अच्छा लगता है आप सभी से मिलके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो लगभग इतने बच्चों ने इसका एग्जामिनेशन दिया है, एग्जाम में अपियर हुए हैं लगभग 2,70,000, एक रफली आइडिया बता रहा हूं, हो सकता है ये आंकड़ा ऊपर भी हो ज्यादा भी हो, क्योंकि एक सेंटर से ये कंफर्म नहीं होता कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा, लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए इतने बच्चों के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए तो लगभग इतने बच्चे शामिल हुए होंगे। अब इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें कि देखिए कट ऑफ के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पे हम दोनों की कट ऑफ अलग अलग ले लेते हैं, मेल की भी कट ऑफ और आपकी फीमेल की कट ऑफ। आप सभी को पता है कि रिसेंटली आपकी 2019 वाली जो भर्ती है वो कंप्लीट
हुई है, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उसका जारी हुआ था और उसकी कट ऑफ ऑलरेडी आप सभी ने देख ली थी। तो यहाँ पे टोटल 540 पद हैं एएसआई के पदों को मिला के, तो टोटल अगर यहाँ पे पदों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट ऑफ निकालें तो देखो मेल के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी विद नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है, यानी कि रो मार्क्स नहीं है, क्योंकि देखो अभी हो सकता है कि आपका स्कोर आ रहा हो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि बाद में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं और आपके नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये नंबर कम ज्यादा होने का जो वेरिएशन रहेगा वो कितने नंबर तक रहेगा, लगभग 5 से 6 नंबर तक आपके कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो आप अपने कट ऑफ में 5 नंबर प्लस या माइनस करके चल सकते हैं, क्योंकि इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके कम ज्यादा होंगे। अब यहां पे अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो देखिए मेल कैंडिडेट में जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड आपका ओबीसी, ये तीनों कैटेगरी लगभग एक ही बराबर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो इन तीनों कैटेगरी के लिए मेल कैटेगरी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 85 आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि देखो अब तक सारे आंकड़े हमारे हाथ में थे, केवल पेपर का लेवल हाथ में नहीं था, लेकिन वो भी अब क्लियर हो चुका है कि अब पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है, पेपर आपका ज्यादा टफ नहीं आया है, हालांकि जीके आपका चैलेंजिंग है और जीके थोड़ा सा चैलेंजिंग होने की वजह से ही ये आपकी कट ऑफ डाउन है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर हम बात करें तीन सब्जेक्ट में, जिसमें अगर आप मैथ में बात करें, रीजनिंग में बात करें और हिंदी में, अगर इन तीनों सब्जेक्ट में जाता है और बच्चे ने ढंग से भी तैयारी की है तो 75 में से बच्चे ने आराम से 70 तक स्कोर किया है, इतने तक आराम से कर लिया। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी वो दिलवाएगी जीके, अब जो बच्चा यहाँ पे जीके में 15 के अप्रोक्स पहुंच गया होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी मेल कैंडिडेट की, वो लगभग 85 के अप्रोक्स रहेगी। अगर हम बात करें कि फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो इन तीनों कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ लगभग आपकी यहाँ पे 82 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ रहेगी इन तीनों कैटेगरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे एससी कैटेगरी में कितनी हो सकती है, तो देखिए एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो लगभग आपको 81-82 के आसपास आपको मेल कैंडिडेट एससी कैंडिडेट की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे अगर आप जाते हैं फीमेल की तरफ तो लगभग आपको 78 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी फीमेल एससी कैंडिडेट की। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की, तो देखिए एसटी कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 78 के अप्रोक्स आपकी एसटी की कट ऑफ जा सकती है, साथ ही में लगभग 75 या 74 के समथिंग आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है एसटी फीमेल कैंडिडेट की। क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप सभी को पता है और कंपटीशन 2019 की भर्ती से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे भर्ती में देरी होती है जैसे जैसे उसका कॉम्पिटिशन भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं वो आप ये चल मान के चलो कि लगभग मैक्सिमम में लेके चल रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मुझे भी नहीं पता होंगी, आपको भी नहीं पता होंगी, तो उन चीजों के लिए मैं आपको कोई एश्योरिटी नहीं देना चाहता, ना मैं आपको कोई गलत कमिटमेंट देना चाहता हूं। अब आप ऐसे करके चलो कि ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है इसमें प्लस माइनस 6 होंगे आपके, प्लस माइनस छह नंबर आपके हो सकते हैं, यानी कि अगर आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी है और अगर आपके 79 स्कोर है तब भी आपका 85 तक पहुंच सकता है और सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी अगर आपका 85 है तो ये घटकर भी 79 हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का काफी बड़ा रोल रहेगा। हालांकि आपके पेपर में बहुत ज्यादा गैप देखने के लिए नहीं मिला है, यानी लेवल का गैप नहीं है, लगभग समान लेवल का आपका पेपर आया है, इसीलिए ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने की गुंजाइश नहीं है। तो 5-6 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलें कि अगर आपके नंबर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी में अगर 80 हो रहे हैं, आपको लगता है कि 80 तक मैं इन कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको बिना सोचे टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, बाकी का जैसे अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो लगभग आप 75 के अप्रोक्स अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, और अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो लगभग आप 73 के अप्रोक्स अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, 73-72। इसी तरीके से फीमेल के अगर ये मान के चलो कि 76-77 नंबर अगर आपके बन रहे तो आप भी अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकती हैं, इसी तरीके से यहां पे लगभग आप मान के चले कि 73 के अप्रोक्स, साथ ही में एसटी कैटेगरी है तो यहां पे 69-68 के अप्रोक्स आपके अगर नंबर बन रहे हैं एसटी फीमेल कैटेगरी में, तो आपको अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो जो भी डेटा अपने पास है वो मैं आपको बता रहा हूं, 2019 के लिए भी मैंने बोला था कि कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, कट ऑफ गई। होता क्या है कि हम एक्चुअल में इतनी ही कट ऑफ मान के चलते हैं जितने हमारे नंबर होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना पड़ेगा।
तो ये तो हो गई कुल मिला के आपके कट ऑफ की बात के, लगभग आपके इतने नंबर कट ऑफ जा सकते हैं, 5-6 नंबर का वेरिएशन रह सकता है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब कट ऑफ के बाद बात आती है आंसर की, क्योंकि आंसर की से ही क्लियर हो पाएगा कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, और आंसर की चेक करने के बाद भी उसे फाइनल नंबर मत मानना, क्योंकि उसमें भी चेंजेस होते हैं। जब कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे होते हैं तो उस पर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। अब मान के चलो कि चार ऑप्शन दे रखे ए बी सी और डी, इसका आपने आंसर दिया सी, आंसर की में पहले आंसर की में इसका आंसर सी सही माना गया है, लेकिन वास्तव में इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो ए होना चाहिए था, तो अभी तो आपके पहले तो नंबर यहां पे बढ़ रहे होंगे, लेकिन जब बाद में आंसर की रिवाइज होगी तो उस ऑप्शन को सी को चेंज करके जब ए किया जाएगा तो आपके नंबर घट भी जाएंगे और कुछ बच्चों के बढ़ भी जाएंगे। तो इसी की वजह से जो 5-6 नंबर का वेरिएशन है मैंने नॉर्मलाइजेशन और आपकी रिवाइज आंसर की वजह से लिया है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि आंसर की कब आएगी, तो देखो आप अपने एडमिट कार्ड के पॉइंट नंबर 9 पे जाके देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा महत्वपूर्ण उम्मीदवार अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल के साथ ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन करके परीक्षाओं के संचालन के 3-4 दिन के बाद अपना व्यक्तिगत उत्तर ऑनलाइन प्रतिक्रिया स्वयं के जवाब और कुंजी देख सकते हैं। किसी प्रश्न पत्रों और उसके संबंध में प्रश्न आपत्ति के मामले में केवल 3 दिन के भीतर पोर्टल में ऑनलाइन प्रतिक्रिया लिंक एक्टिव माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी उसके संचालन के 3-4 दिन बाद जो आपके आंसर की होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। यानी 3-4 दिन अगर हम माने तो 31 को आपका एग्जाम खत्म, इसके बाद 1, 2, 3 और 4 आपको बता देंगे, 4 को आपका है सैटरडे, अगर हम बात करें 5 को तो 5 को है आपका संडे। तो हम ये मान सकते हैं कि वो हो सकता है कि सैटरडे संडे को काम ना हो, तो यहाँ पे हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि 6 तारीख यानी मंडे को डेफिनेटली आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। इससे पहले भी सीआईएसएफ के जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं सभी की आंसर की बिल्कुल टाइम पे आई है, 3-4 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाती है, लेकिन मैं अधिकतम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि सैटरडे एंड संडे आपका अगर नॉन वर्किंग डे होता है तो 6 तारीख को आपके आंसर की आ जाएगी, या फिर 3 को भी आपकी आंसर की आ सकती है। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि अधिकतम आपकी 6 तारीख तक यानी कि 6 नवंबर तक आपकी आंसर की जो होगी वो जारी कर दी जाएगी, उसके बाद आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे दोनों पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, एक आपकी आंसर की और दूसरा आपकी कट ऑफ। बाकी का बच्चों देखो टेंशन लेना किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि नौकरी चाहिए तो सीरियस होके पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन सिंसियर होके जरूर आपको पढ़ना है और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस एक चीज हमेशा याद रखो कि जो कछुए वाली कहानी है उसे अपनी जिंदगी में फॉलो करते रहो, बस धीमे 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 चलते रहो, बस रुकना नहीं है, जहां पे आप रुकोगे वहीं खत्म। कहते हैं ना अगर नदी का पानी की सबसे खास बात ये होती है कि वो बहता रहता है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता, वहीं पे अगर एक तालाब हो और वो वहां पे पानी जमा रहता है जिसके बाद कुछ समय बाद वो सड़ने लग जाता है, तो लगातार अपनी जो स्पीड है भले ही स्लो रखें लेकिन लगातार चलते रहें, आपको रुकना नहीं है थमना नहीं है। और अगर आपने जिंदगी में से उतार लिया तो आप ये मान के चलिए आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर से मिलेगी। तो बाकी की सारी चीजों को छोड़ें, अपने दोस्त वगैरह जो भी यारी दोस्ती है पूरी जिंदगी चलती रहेगी, कुछ साल के लिए आप दोस्ती करिए किताबों से जो कि आपको काफी चीजें आपकी जिंदगी में इंप्रूव करके दे सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कल मैं आपके सेंटर पर गया था यानी कि 30 अक्टूबर को, बहुत सारे बच्चों से मिला, आपका बहुत प्यार और सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हमसे जितना हो पड़ेगा हम आप सभी के लिए करते रहेंगे। एसएससी जीडी बुक लेने के लिए पीवाईक्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट और वीडियो को शेयर करें ताकि आप सभी को किसी एक बच्चे को आपको बुक मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।